में बाहर है क्योंकि नीतीश सरकार है। शिक्षा विभाग और शिक्षक अभ्यर्थी दोनों ही सातवें चरण की बहाली को लेकर तैयार है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि केंद्र सरकार की तरफ से बिहार सरकार को यानी कि स्पेशली शिक्षा विभाग को क्या निर्देश दिए गए हैं, साथ ही डिजिटल बहाली जो है किस प्रकार से सातवें चरण में होने वाली है और शिक्षा मंत्री जो है बिहार के श्री विजय कुमार चौधरी जी वे किस प्रकार से फुल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे वन बाय वन, तो इसलिए वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें और चैनल पर पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सबसे पहले तो आप इस न्यूज़पेपर कटिंग को देखिए जहां पर यह प्रकाशित हुआ है कि छठे चरण में बहाल शिक्षकों का डेटा किया जाएगा ऑनलाइन। तो ये मधुबनी जिले की जो खबर है यहां पर प्रकाशित हुई थी जहां पर लिखा गया कि डाटा अपलोड होने से शिक्षक नियोजन संबंधी किसी भी तरह की जानकारी में होगी सुविधा, यानी कि ये डिजिटल मोड जो है अपनाया गया है। आप लोग जानते हैं कि 42,000 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है और उन सभी का जो डेटा है उसको ऑनलाइन कर दिया गया है, यानी कि सारा ही डेटा, सारा ही जो पूरा ब्यौरा है अभ्यर्थियों का वह अब ऑनलाइन मोड में यानी कि डिजिटल मोड में अपलोड किया जा चुका है। और दूसरी एक जो खबर इसी खबर के अंदर लिखी गई है वहाँ प्रकाशित हुआ कि राजनगर में यानी कि मधुबनी जिले के ही कई बात की गई है, वहीं पर कोई प्रखंड होगा जहाँ पर सातवें चरण के नियोजन की तैयारियाँ पूरी शुरू हैं। शुरू कह सकते हैं कि कवायद जो है बहुत ज़्यादा तेज़ कर दी गई है। तो जिला शिक्षा विभाग जो है निर्देश जारी कर चुका है। आप लोग जानते हैं कि 1 to 8 के लिए जो है रिक्तियाँ कलेक्ट करने का जो निर्देश है बहुत ही पहले शिक्षा विभाग की तरफ से दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें प्रकाशित हुई हैं। डिजिटल मोड के बारे में एक अन्य खबर से भी आपको रूबरू होना ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पर भी प्रकाशित हुआ है कि तैयारी कर ली गई है किस चीज़ की, डिजिटल मोड में जातिगत गणना की जो तैयारी है वह हो चुकी है। और डिजिटल मोड देखिए यहाँ पर प्रकाशित हुआ है जहाँ शिक्षक लिपिक व मनरेगा कर्मी के माध्यम से जाति आधारित गणना जो है इस राज्य में यानी बिहार राज्य में होने वाली है। तो देखिए डिजिटल मोड की बात चारों तरफ जो है बिहार में चल रही है। और आपको बता दें कि DLED की जो परीक्षा इस बार होने वाली है वह भी ऑनलाइन मोड में यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा अगस्त के महीने में, यानी कि सारी ही चीज़ें जो है सरकार अब ऑफलाइन छोड़कर ऑनलाइन मोड में करना प्रारंभ कर चुकी है। तो इसीलिए जो इस सातवें चरण की अधिसूचना है उसकी बात तो सरकार ने की है। नीतीश सरकार के बैनर में भी प्रकाशित हुआ कि अगस्त से अक्टूबर के बीच में ये प्रक्रिया चलेगी, लेकिन ऑनलाइन मोड में आवेदन होना बहुत ज़रूरी है, सेंट्रलाइज बहाली होना ज़रूरी है क्योंकि तभी जो है अभ्यर्थियों की जो नियुक्ति है सुनिश्चित होगी, अन्यथा नियोजनवाद होगा। नियोजन इकाइयों के चक्कर अगर लगाने पड़ेंगे अभ्यर्थियों को सिर्फ आवेदन के लिए तो फिर किसी की भी बहाली होना यानी कि 100% होना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो डिजिटल मोड में बहाली हो ये मांग आप लोगों की ज़रूर होनी चाहिए, केवल नोटिफिकेशन जारी करवाना ही हमारा मकसद अभी नहीं है। अब बात कर लेते हैं केंद्र सरकार की तरफ से क्या निर्देश जो है बिहार सरकार को स्पेशली जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है शिक्षा विभाग है उसको दिए गए हैं। तो देखिए जो दैनिक भास्कर है उसका आज का ये जो संस्करण है यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर प्रकाशित हो चुका है कि केंद्र ने निर्देश दिया है राज्य माध्यमिक स्कूलों में ज़रूरत के हिसाब से शिक्षक संख्या तय करें, यानी कि जो माध्यमिक विद्यालय है वहाँ पर खासकर जो है शिक्षकों की संख्या को तय करने का जो ऑर्डर है जो डायरेक्शन है सेंटर की तरफ से यानी केंद्र की तरफ से दिए गए हैं, क्योंकि बिहार के केवल 22% हाई स्कूलों में ही गणित और विज्ञान जैसे कोर विषयों के शिक्षक अवेलेबल हैं। हम लोग जानते ही हैं कि जितने भी स्कूल्स अपग्रेड हुए हैं या फिर पहले से ही जो हाई स्कूल या इंटर स्कूल है बिहार राज्य के कई जिलों में वहाँ पर बिल्कुल भी टीचर्स अवेलेबल नहीं हैं किसी भी सब्जेक्ट के, चाहे मैथ्स हो, साइंस हो, इंग्लिश हो। तो इसलिए यहाँ पर ये जो डायरेक्शन है अब केंद्र की तरफ से भी सभी राज्यों को स्पेशली बिहार राज्य को दिया गया है। यहाँ पर आपको बता दें प्रकाशित भी हुआ है कि माध्यमिक में करीब 28,000 और एलिमेंट्री स्तर पर करीब 1.8 यानी कि लगभग 2.25 लाख शिक्षकों के पद जो हैं वह खाली हैं। तो इतने सारे पद खाली हैं और बिहार सरकार दावा भी कर रही है कि सातवें चरण की बहाली में ये सभी जो अभ्यर्थी हैं जो सारी सीट्स हैं ये सब भर दी जाएंगी और ये तभी पॉसिबल होगा जब बहाली जो है ऑनलाइन मोड में सेंट्रलाइज तरीके से यानी केंद्रीकृत तरीके से की जाए। अब चलते हैं शिक्षा मंत्री जो फुल एक्टिव मोड में है किस बात को लेकर वह इतने फुल एक्टिव हो चुके हैं इसकी बात कर लेते हैं। जिलों में अभिभावकों से संवाद करेंगे अब बिहार के शिक्षा मंत्री। तो देखिए अभिभावक यानी कि जो गार्जियंस हैं जो पेरेंट्स हैं बच्चों के उनसे शिक्षा मंत्री इस बात करेंगे ही, लेकिन यहाँ पर देखिए शिक्षक नियोजन की जो बात है उसको उससे भी वह रूबरू ज़रूर होंगे क्योंकि राज्य सरकार के शिक्षा मंत्री विभागीय अधिकारियों के साथ अपने महकमे के कामकाज का फीडबैक भी अब जनता से लेने वाले हैं।
और जितने भी गार्जियन हैं जो पेरेंट्स हैं उन सबको पता है वह स्कूल अपने बच्चों को इसलिए भी नहीं भेजना चाहते हैं खासकर बिहार में सरकारी स्कूलों में, क्योंकि उन्हें पता है कि स्थिति सही नहीं है, शिक्षक अवेलेबल नहीं है किसी भी विषय के। तो इस बारे में जब शिक्षा मंत्री स्वयं जो है पेरेंट्स से मिलेंगे विजय कुमार चौधरी जी, तो उनको ये इस बात का आभास होगा कि किस स्कूल में किस ज़िले में कितने सारे अभिभावक हैं बच्चों को स्कूल में नहीं भेजते हैं। तो शिक्षा विभाग ने अपने इस महत्वपूर्ण आयोजन की सूचना सभी 38 जिलों के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनको दे दी है। हाल ही में हुई GEO की राज्य स्तरीय बैठक में उन्हें इस समागम की तैयारियों में अभी से जुट जाने को कहा गया है। तो शिक्षा मंत्री के समक्ष सामान्य लोग आएंगे, सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स होंगे, अन्य कर्मी भी होंगे, तो सबको अपनी अपनी बात रखने का अवसर दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इस प्रस्तावित समागम को लेकर पूछे जाने पर बताया है कि इसका असल उद्देश्य समाज और स्कूलों के बीच रिश्ते को घनिष्ठ बनाना है। तो शिक्षा मंत्री का मेन उद्देश्य यहाँ पर यही है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, और वह बिना शिक्षकों के तो मिल नहीं सकती है। तो इससे उनको इस चीज़ का और एहसास होगा जब अभिभावक भी यही चीज़ें दोहराएंगे कि स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, बिल्डिंग है, पानी है, खाना है, लेकिन जब शिक्षक ही नहीं है तो किस प्रकार से क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को मिल सकती है। तो शिक्षा मंत्री चौधरी अभी फुल एक्टिव है। मंगलवार को ही उन्होंने सूचना दी है कि सभी जो कुलपति व कुल सचिव हैं उनके साथ बैठक भी रखी गई है और अगले 2-3 महीने में ये प्रक्रिया जो है आरंभ कर दी करने वाले हैं वे। तो फ्रेंड्स, 7वें चरण के शिक्षक बहाली का देखिए आगाज बहुत जल्दी होने वाला है। उससे पहले आपको यह चीज़ भी बता दें कि जो SC/ET अभ्यर्थी हैं उनका आंदोलन पटना में अभी तक लगातार जारी है। साथ ही जो क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं वह भी कहते हैं कि उनको भी आंदोलनरत होना पड़ेगा, जबकि अधिसूचना जो है आने को बिल्कुल तैयार है, फिर भी अभ्यर्थियों को विवश होना पड़ रहा है पटना की सड़कों पर इस तपती गर्मी में आंदोलन करने के लिए। सभी की एक ही चाहत है, वैसे तो आप लोग जानते हैं कि गुमराह करने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन फिर भी सबका जो एक मेन मोटिव होना चाहिए किसी भी आंदोलन या किसी भी प्रोटेस्ट का, वह यही है कि मैक्सिमम अभ्यर्थियों की यानी ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों की बहाली जो है 7वें चरण के तहत हो पाए और सरकार भी ऐसी कोई नीति, ऐसी कोई प्रक्रिया लाए, सॉफ्टवेयर लाए जिससे डिजिटल मोड में बहाली का रास्ता खुल सके। सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ है कि नहीं इसकी जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। जो भी अभ्यर्थी सचिवालय जाते हैं या फिर जो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं उनकी ये मांग भी होनी चाहिए, क्योंकि 6 फेज में आप लोग जानते हैं कि 94,000 में से केवल 42,000 अभ्यर्थी अभी तक चयनित हुए थे और अभी कितनी सीट्स खाली आएंगी इस बात का अंदाज़ा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में भी तभी चलेगा जब ये सारी प्रक्रिया 30 जुलाई को समाप्त हो जाएगी। नियमावली 2022 की भी बातें जो है चारों तरफ चल रही हैं, तो उसकी क्या सच्चाई है उसके लिए भी जल्द से जल्द वीडियो अपलोड करने की मैं कोशिश करूँ।